हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। आज हम ब्लैक बोर्ड पे कोर्सेज को डिज़ाइन करना सीखेंगे कि ब्लैक बोर्ड प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो साइट है coursesites.com, इस पर लॉग इन करना है। तो ये इसका क्या है, यूआरएल है, इसको हम यूआरएल बोलते हैं। इसको यहाँ पे coursesites.com आपको लिखना है और उसके बाद साइन इन पे आपको क्लिक करना है। मेरा इसमें पहले से ही क्या है, यूज़र नेम पासवर्ड सेव था, तो दैट इज़ वाई इसमें हमें यूज़ नहीं करना पड़ा उसको। अब ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, इंस्टीट्यूशनल पेज, मेरा लॉगिन, एक्टिविटी, कोर्सेस, ऑर्गेनाइजेशन, कैलेंडर, मैसेजेस, ग्रेड्स, टूल्स एंड साइन आउट। तो कोर्सेज को हमें डेवलप करने के लिए यहाँ पर हमें कोर्सेज पर क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए, कोर्सेज ऑप्शन है, यहाँ पर हमने क्लिक करा। अब ये देखिए, यहाँ पे क्या है, कुछ प्री क्या है इंस्टॉल्ड कोर्सेज टैम्पलेट दी हुई हैं जो यूनिवर्सिटी ने क्या है डिज़ाइन करे हैं। यहाँ पे एक कोर्स टैम्पलेट था जिसको मैंने डिज़ाइन करा है, और द सेम टाइम अगर आपने कोई कोर्स जिसमें आपने इनरोल करा है तो वो भी यहाँ पे शो होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कोर्स में इनरोल्ड हूँ तो वो यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने डिज़ाइन करा है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे आपका नाम भी आएगा कि हु इज़ द ऑथर ऑफ यू नो दैट कोर्स। तो ये देखिए, कॉर्पोरेट लॉ सेकंड, ये कोर्स जो है मैंने डिज़ाइन करा है। अब इस पर यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे हम, तो ये कोर्स ओपन होगा। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये इंस्ट्रक्टर आ रहा है मेरा नाम, और यहाँ पे क्या है, ये इसका ये टैम्पलेट है जो पहले से फिक्स था, मैंने इसमें कुछ अपडेशंस करे हैं एज़ पर माई रिक्वायरमेंट, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, बहुत आसानी से आप इसको क्या है डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आप फेसबुक और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, या आप जो डायनेमिक वेबसाइट्स जैसे बनाते हैं, तो डायनेमिक वेबसाइट जिस तरह से बनाई जाती है, ये ठीक उसी तरह से है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या है, अपना कोर्स का जो टाइटल होगा वो चेंज करना होगा। तो जो भी आप कोर्स डिज़ाइन करना चाहते हैं उसको टाइटल यहाँ पर डालिए। बेटर ये होता है कि जो पेपर है उसका नाम के साथ साथ हम क्या है कोर्स कोड इसमें क्या है ऐड कर दें, तो फ्यूचर रेफरेंस में ना तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ना बच्चों को आएगी। तो यहाँ पे मैंने कोर्स का नाम लिखा है, साथ में उसका कोर्स कोड लिखा है। अब देखिए, हम नीचे जाते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे ऊपर जो ऑप्शन आता है, दैट इज़ रोस्टर। सो रोस्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके जो क्लास है उसमें कितने बच्चे इनरोल्ड हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। अब ये देखिए, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इतने लोग मेरे में क्या है रजिस्टर्ड हैं, ये मेरे कलीग्स हैं जिनको मैंने क्या है अभी इसका लिंक भेजा था। अब यहाँ पे देखिए, प्लस का ऑप्शन ये जो नज़र आ रहा है, तो इस प्लस के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या है ईमेल आईडी लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो भी आप ईमेल आईडी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ईमेल आईडी लिखता हूँ arun.uils@cumail.in, फिर इसके बाद आपको कॉमा लगाना है बस। अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो ये क्या है सेंड नहीं होगा, और इसके बाद आपको यहाँ पे सेंड कर देना है तो ये चला जाएगा। साथ में एक यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो लिंक है इस लिंक को कॉपी करके एक साथ हम सबको मेल कर सकते हैं, और इसको जो क्या है एक्सेस करेगा वो आपके कोर्स में ऐड हो जाएगा। बट मैं इसको ज़्यादा सेफ़ नहीं समझता हूँ, इसलिए बेटर ये होता है कि आप बच्चों से या जो भी आपके स्टूडेंट हैं उनकी ईमेल आईडी आप मांग लीजिए, और एक्सक्लूसिवली उन्हीं लोगों को ईमेल दीजिए। तो केवल वही बच्चे जो जिनके पास आपकी ईमेल आईडी गई है वही से एनरोल कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। तो एक इफ़ेक्टिव टूल है आपके कोर्स और आपकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, तो मैं इसको आपको एडवाइस करता हूँ, ठीक है। अब फिर हम क्या है बैक पे चले जाते हैं, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है, ये देखिए क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है। तो आपको कोई भी दिक्कत आती है आप इस पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद एक नया इंटरफेस खुलता है जहाँ पर डिफरेंट टूल्स आपको मिलते हैं, तो आप इनके साथ चैट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। और साथ में और फीचर्स हैं जो आपको क्या है हेल्प करेंगे हाउ टू यूज़ दैट ऑप्शन। तो जैसे हम रोस्टर पे हैं तो रोस्टर कैसे काम करेगा वो यहाँ से आपको नज़र आएगा। खैर, एनीवे हम वापस जाते हैं। अभी देखिए, हम वापस चले गए। फिर नेक्स्ट आता है कोर्स ग्रुप, तो आप इस पर क्या है क्लिक करके, ठीक है, अगर आपके क्लास का साइज़ बड़ा है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं जो क्या है क्लास को डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट पे। तो अभी तो हमारा क्लास साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे,
और ये कोई बहुत बड़ा ऑप्शन, इसमें बहुत दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से सेलेक्ट करके क्या है क्लासेस को है क्या है चेंज कर सकते हो, इनके साइज को, मतलब कि एक ग्रुप बना सकते हो, दो ग्रुप बना सकते हो, एसेट्रा एसेट्रा। सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। और यहाँ पे एक देखिए, हर चीज़ के लिए यहाँ पे एक प्लस ऑप्शन है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन आते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, अब ग्रुप आ गया, तो ग्रुप का मैं नाम यहाँ पे दे दूंगा। फिर उसके बाद क्या है, सपोज ये ग्रुप है, तो यहाँ पे ग्रुप की जब मैंने कर दिया क्लास ए, ठीक, बस। और ये क्या है, इसका यहाँ पे डिटेल आती है, तो क्लास ए कॉरपोरेट लॉ सेकंड LLT 360, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप आ गया है, ठीक है, जिसके साथ ये डेट आ गई है, और इसमें क्या है 6 मेंबर दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या है एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे गया और ये एडिट ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करा। अब इसके साथ मैं चूज़ कर सकता हूँ कि कौन बच्चे मेरे क्लास में रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे। तो ये आपके पास है, आप जिस तरह से क्या है क्लास को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं हम। तो ये तो क्या है कोर्स ग्रुप का था। अब कोर्सेज इज़ ओपन, तो स्टूडेंट कैन एक्सेस दिस कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या है इसको क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। अगर मैं प्राइवेट करूँगा तो हर कोई इसको एक्सेस नहीं करेगा, जिसको मैं क्या है इन्वाइट करूँगा केवल वही कर सकता है। तो खैर हमें तो उसको स्टूडेंट्स को क्या है इन्वाइट करना है, तो मैंने इसको ओपन कर रखा है एनीवे। फिर ब्लैक बोर्ड कोलाब्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप क्या है ये देखिए, आप कोर्स रूम, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं देखिए, जैसे हम जूम को यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा ये अभी इस तरह काम नहीं कर रहा है, पर यहाँ पे आप क्या है वीडियो क्लासेस भी ले सकते हो, तो आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या है उसको जैसे ये देखिए जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक कोर्स के लिए लाइक आईडी और ठीक है पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं मीटिंग के लिए एसेट्रा एसेट्रा। तो वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। खैर एनीवे, और यहाँ से आपका अटेंडेंस का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप क्या है अटेंडेंस ऐड कर सकते हो अपने अपने कोर्स की कि कितने बच्चे हैं। तो मैनुअली यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑटोमेटिक भी आता है और मैनुअल भी आता है। तो खैर अभी हम इस पर फोकस नहीं करते हैं कि यहाँ पे देखिए ओवरऑल और मीटिंग पर्टिकुलर, तो हम इसमें ओवरऑल अटेंडेंस भी देख सकते हैं कि अभी तक कितनी बच्चों की थी, और इन्हें पर्टिकुलर मीटिंग या क्लास जैसे हम बोलते हैं उसमें भी हम क्या है अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है यहाँ पे कोर्स। तो देखिए ये जो मैंने जो आपको दिखाया था कि मेरा कोर्स है, और इसमें हम डिफरेंट ऑप्शन आते हैं लाइक अटेंडेंस अनाउंसमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को कोई अनाउंसमेंट करना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप क्या है इसको अनाउंसमेंट को क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए, और इसका टाइटल डाल सकते हो, डिटेल्स डाल सकते हो कि कितने बच्चों को दे रहे हो या सभी बच्चों को। तो मेरे में अभी 8 स्टूडेंट हैं दिखा रहे हैं, तो 8 को जाएगा, अदरवाइज जो भी साइज़ होगा वो सबके पास पहुंच जाएगा। और मैसेज टाइप करके मैं सेंड कर दूंगा तो इमिडिएटली उनके पास चला जाएगा। खैर तो अभी तो जैसे हमने स्टार्ट कराया है तो उसमें ऐसी कोई डिटेल्स ज़्यादा है नहीं। तो बुक्स एंड टूल्स तो यहाँ पे आप उनको भी दे सकते हो, ठीक है, क्या बच्चों को बता सकते हो बुक्स के बारे में और अदर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक आप जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। और सबसे अच्छा फीचर ये है कि आपके पास जो मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं या बार बार आपको कई चीज़ यूज़ करनी पड़ती लाइक क्विज है, तब आपको बार बार क्या है क्वेश्चन बैंक को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसकी हेल्प से आप क्या है क्विज और बाकी चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। और स्टूडेंट प्रीव्यू है, तो स्टूडेंट को कैसे दिखेगा वो सारी चीज़ें, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपने आप को मॉडिफाई और अपडेट कर सकते हैं। खैर एनीवे, ये देखिए ये कोर्स जो हमने स्टार्ट करा है वो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है, लाइक फर्स्ट ऑप्शन जैसे यूनिवर्सिटी ने बताया है ऑब्जेक्टिव्स एंड ओवरव्यू। तो देखिए आप जैसे ही इस पर आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दो तरह से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करके देखिए यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। और द सेम मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसमें चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। देर आर डिफरेंट ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस पर क्लिक करा क्रिएट कॉपी अपलोड मार्केट क्लाउड एंड कंटेंट, तो
तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से कर देंगे। पर मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि जब आप बिगिनर हैं, आपको स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन में आप ना जाके कोशिश करिए कि जो टैम्पलेट है उसी को अपडेट करने की कोशिश करिए। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा काम करेंगे, आप फैमिलियर हो जाएंगे, अकॉर्डिंगली आप उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटेशन भी कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप टैम्पलेट को यूज़ करो, वो आपको हेल्प करती है काफ़ी। तो इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए, वहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं, डबल क्लिक से भी आपका ये क्या है खुल जाता है। जैसे आपने क्लिक करा, अब ये देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एडिट करा, अब एडिट से क्या आता है कि यहाँ पर का डिस्क्रिप्शन आएगा, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, वहाँ पे वर्ड लिमिट दे रखी है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि डिस्क्रिप्शन कितना दिया है, अगर आप ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन दोगे तो ये जो सिस्टम है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसके बाद ये क्या है, आप यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए इसको हमने इसको क्या है अभी कैंसिल करा, क्योंकि हमने पहले से बना रखा है। आप देखिए इस पर मैं एक क्लिक करूँगा, अभी देखिए सिंगल क्लिक पे इसके जो कोर्स के अंदर ये जो फोल्डर है, इसके फोल्डर के अंदर जो डिटेल्स हैं वो आ गई हैं। फोल्डर के अंदर हम फोल्डर नहीं बना सकते, पर फोल्डर के अंदर हम डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट पेजेस हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो राइट हैंड साइड से, और डायरेक्ट क्लिक भी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है, यहाँ पर आप क्या है इमेजेस, वीडियो और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होता है टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट, वो सारे के सारे काम कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने क्या करा है, ये एक एडिट फीचर है, तो यहाँ पे हम इसके इसको क्या है, जो पिक्चर मैंने ऐड करी है उसको मैं एडिट कर सकता हूँ। देखिए मैंने एडिट करा, अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे मैंने रखा है दिस इमेज इज़ डेकोरेटिव एंड डज नॉट क्या है रिक्वायर अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो अगर आप इसको नहीं करोगे तो ये क्या है बार बार आपको रेड शो करेगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लीजिए और ये रेड शो नहीं करेगा। अब ये देखिए इस पर क्लिक कर दिया, अब ये देखिए इट इज़ परफेक्ट। क्यों? क्योंकि ऐसे यहाँ पे क्योंकि डेकोरेटिव है तो यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। अदरवाइज़ आपको क्या है इसका एक परफेक्ट टेक्स्ट देना पड़ेगा, तो कई बार सिस्टम उसको समझ नहीं पाता है। तो बेटर ये है कि आप इस ऑप्शन को लें, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको पता है कि आप क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप कुछ नया ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने क्या करा था, यहाँ से इसको अपलोड कर दिया था कंटेंट, और यहाँ से डायरेक्ट आप कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज आप मत करिए, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज पे नॉर्मली यूनिवर्सिटी के जो हमारी ईमेल्स होती हैं उस पर ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, और पर्सनल को यहाँ पे क्या है जो क्लाउड स्पेस होता है उसको क्या है लिंक ना करें, क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो क्लाउड स्टोरेज अगर यूनिवर्सिटी का है आप उसको यूज़ करिए, पर्सनल ईमेल आईडी का क्लाउड स्पेस आप ना यूज़ करें, वही बेटर है, ठीक है। तो मैं तो आपको रिकमेंड ये करूँगा कि कंप्यूटर से अपलोड करें और यहाँ से क्या है कंटेंट ऐड करें। अब देखिए ये मैंने जो इमेज डाली है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, तो इसे आपको क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे काम करता है, कौन से यू नो फैक्टर्स हैं जो उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो दैट विल हेल्प स्टूडेंट एज वेल। अब ये देखिए इसके बाद नीचे गए और यहाँ पर देखिए फिर आया एडिट का ऑप्शन, तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट था यूनिवर्सिटी का उसको मैंने एडिट करा और ये यहाँ पर आ गया। एंड लास्टली मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको देखिए ये यहाँ पे पीडीएफ सिलेबस की ऐड कर दिया, अब ये देखिए रेड आ रहा है। तो अब देखिए मैंने इस पर क्लिक करा, हाँ अब ये देखिए ये क्या है अनटैग्ड है, ठीक है। हाँ तो अब इसको क्या है, इसको हमें क्या है टैग करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये आ रहा है इसके डिटेल्स, हाउ टू टैग, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारा इसका है नहीं, हम यहाँ से क्या है सीधे सीधे इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे गए और एडिट फाइल पे गए। अब ये देखिए यहाँ पे फीचर्स आएगा, ठीक है, ये हमने इसका डाल दिया, ये कॉर्पोरेट सिलेबस आ गया और हमने इसको सेव कर लिया। ओके, यहाँ से हम इसको क्या है डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो खैर एनीवे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो खैर एनीवे इस तरह से आप अपने इसको इंटरेक्टिव कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगेन प्लस अगर आपको और कोई रिक्वायरमेंट है कुछ नया ऐड करने की, तब आप उसको ऐड कर सकते हैं, एंड अगेन यहाँ से आप बैक आ सकते हैं। तो देखिए हम बैक आ गए, तो हमारा क्या है फर्स्ट पार्ट कम्प्लीट हो गया, कोर्स ऑब्जेक्टिव जो वहाँ पर दिया है। फिर आता है जनरल इन्फॉर्मेशन, फिर हमने इस पर क्लिक करा जनरल इन्फॉर्मेशन पर।
अभी देखिए ये इमेज आ गई जो हमने यहाँ पे यूज़ करी है, वो आप अपने कोर्स के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ डेटा अवेलेबल था तो उस डेटा को मैंने अपने हिसाब से क्या है रिडिज़ाइन कर लिया है। और ये देखिए सारी चीज़ें, ये भी पहले से पिक्चर अवेलेबल थी बट मैंने इसको रिडिज़ाइन करा है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये देखिए मैंने इसको रिडिज़ाइन कर दिया है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक और फिफ्थ वीक। तो मैंने 1 मंथ के बेसिस पे मैंने इसको डिज़ाइन करा है। और यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल डाल दी है कि दैट आई एम वर्किंग फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड माई नेम एंड ई मेल आई डी। तो इन केस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है बच्चे को तो दे कैन ऑल्सो डायरेक्टली ई मेल देयर यू नो क्वेरीज टू मी। अब ये देखिए इसको हम डिसकनेक्ट करते हैं यहाँ से। और फिर देखिए फिर यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आती हैं। अब हम यहाँ से क्लिक करते हैं और मैंने इसका क्या है एक बढ़िया सा इमेज नेट से लिया। अब यहाँ से हम एक आप काम कर सकते हैं कि यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसका ना एसेसिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो फिर अगेन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था इस पर क्लिक करा और अपलोड करा, तो मैंने नेट से पहले डाउनलोड करा साइट इस इमेज को और इसके हिसाब से कर दिया। इमेज फिक्स करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप इमेज यहाँ पे यूज़ कर रहे हो वो उस क्या है हेडिंग से मैच करने चाहिए। तो जैसे मैंने ये इमेज ली और ये देखिए इस हेडिंग से मैच करती है तो कि ये क्या है रिलीवेंट है, अदरवाइज़ वो रिलीवेंट जो होगा तो वो क्या है आपके जो कोर्स डिज़ाइन करते हो उस पर उसका एक नेगेटिव इम्पेक्ट आता है। अब ये देखिए ये पहले से टेक्स्ट अवेलेबल था, मैंने उसको क्या है अपने कोर्स के हिसाब से रिडिज़ाइन करा और इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको लगता है देन अगेन वी हैव दिस प्लस साइन, यहाँ से आप क्या है कंटेंट ऐड कर सकते हो, जैसे ऐड कंटेंट लिखा है। अभी देखिए यहाँ पे गए और यहाँ पे हम टेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई लिंक ऐड कर सकते हैं, यहाँ कोई अटैचमेंट डाल सकते हैं, यहाँ से इमेज डाल सकते हैं, यहाँ से वीडियो। अब वीडियो डालते समय आप ध्यान रखना कि ये जो अलग ऑप्शन हैं साफ दिख रहा है कि ये वीडियो का ऑप्शन है और ये इमेज का है। तो वीडियो पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये आता है। तो यहाँ पर हमें क्या है जैसे सपोज़ यूट्यूब है तो यूट्यूब पर कोई भी आप जैसे वीडियो लेते हैं, जैसे सपोज़ मैंने एक अपना ही वीडियो लिया, अब क्या है इस वीडियो का मैंने यहाँ से लिंक लिया। अब ये देखिए लिंक देखते हैं, इसको हम यूआरएल बोलते हैं, इसको क्या है कॉपी करते हैं या कंट्रोल एक्स करते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। और फिर इसके बाद हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं। ये देखिए ये पेस्ट करा और इसका क्या है एक हमने टाइटल दे दिया जो उस वीडियो से मैच करता हो। तो बेस्ट टाइटल ये होता है कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे कोई टाइटल दिया होता है तो वो टाइटल आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या है जैसे एक एज एग्ज़ाम्पल ला सर्टिफिकेट प्रोग्राम, कर दिया। अब इसको इंसर्ट कर दिया। अब ये देखिए वीडियो आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या है आप चीज़ें डाल सकते हो अकॉर्डिंगली, यहाँ पे जो भी आपको क्या है टेक्स्ट डाल सकते हो। ये देखिए टेक्स्ट डाल दिया, साथ में मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ से बोल्ड हो गया, ठीक है। तो जैसा भी आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको यहाँ से डायरेक्टली क्या है इसको टाइटल दे सकते हो तो ऑटोमेटिकली टाइटल फॉर्म में आ जाएगा। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एज ए सैम्पल मैं आपको बता रहा था तो इसको मैंने क्या है कट हटा दिया। अब यहाँ पर देखिए जैसे सपोज़ नेक्स्ट आ गए हम यहाँ पर और मुझे कोई पिक्चर ऐड करनी है तो यहाँ मैंने यहाँ पर क्या है क्लिक करा। ये देखिए ये है ये पिक्चर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप कैसे पिक्चर ऐड करेंगे मैं आपको बता दूँ। तो सपोज़ मैं यहाँ पे गया गूगल और मैंने करा गूगल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ये देखिए जो करा, अब यहाँ पे इमेज पे मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस हैं, सपोज़ मुझे क्या है कोई पर्टिकुलर इमेज चाहिए, सियाल इमेज चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक करा और मैंने इस पर कर दिया ओपन इन ल्यू क्या लिंक। अब देखिए नए लिंक से ये आ जाएगा। अब ये देखिए वेबसाइट आया जहाँ पे ये था, अब इस पर मैंने राइट क्लिक करा और ओपन इमेज इन न्यू टैब करा। अब न्यू टैब से फ़ायदा ये होता है इस पर खाली इमेज आएगी। अब मैंने इसको क्या करा फिर इसका यूआरएल कॉपी करा। अब अगेन देखिए सेम मेथड, यहाँ पे मैंने क्या है पिक्चर पे गए इंसर्ट पे, इसका यूआरएल यहाँ पे ऐड करा और यहाँ पे इसका एक टाइटल डाल दिया, ठीक, और फिर इंसर्ट कर दिया। एंड यू विल सी कि देखिए ये इमेज यहाँ पे आ गई नीचे। तो ये बहुत आसान काम है, आप इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं और इसके बाद सेव कर देंगे, सेव हो जाएगी। तो जो मैं एज एग्जांपल आपको बता रहा था तो मैं इसको सेव नहीं करूँगा, इसको मैंने कैंसिल कर दिया और हम वापस आ गए। अभी देखिए ये
हो गए थे ऑप्शंस, और फोर्थ ऑप्शन हम गए रिक्वायरमेंट, कंप्यूटर रिक्वायरमेंट। तो अगेन सब्जेक्ट से रिलेटेड आप एक इमेज यहाँ पे डाल सकते हो, तो मुझे ये लगा कि दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स, तो ये अच्छा इमेज है तो मैंने यहाँ पे ऐड करा। अगेन यहाँ पे फिर जाके मैंने इसके क्या प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया सो दैट आई कैन गेट यू नो दिस ग्रीन बटन ऑप्शन। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे इसकी डिटेल्स आई हैं और मैंने यहाँ पे क्या है जैसे ब्राउजर्स के बारे में बताया गया था, तो मैंने ब्राउजर्स के एक इमेज यहाँ पे ऐड कर दी। तो अकॉर्डिंगली आपको जो बेस्ट लगता है अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए बड़ा अच्छा फीचर है कि आप ना ब्राउज़र चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका कोई पुराना होगा तो वो अपडेट हो जाएगा यहाँ से, या आप किसी कोई ऐसा साइट का लिंक दे सकते हैं जिससे कोई नया ब्राउज़र डाउनलोड कर ले अगर उसको कोई दिक्कत आती है। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं आजकल, पर एनीवे अगर कोई स्टूडेंट है जिसको इस सिस्टम की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वहाँ से अपने ब्राउज़र को अपडेट कर सकता है। तो ये इतने पॉइंट्स हो गए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ये गेटिंग स्टार्टेड रिलेटेड टू क्विज एंड ऑल। तो ये देखिए फिर आगे हम यहाँ पे, तो आप डिफरेंट मॉड्यूल्स बहुत डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टेक्स्ट यहाँ पे लिया है और टेक्स्ट के बाद मैंने एक वीडियो डाला है, ये IIT खड़गपुर का वीडियो है। तो कोशिश करिए एक अच्छे ठीक इंस्टीट्यूट की या खुद की वीडियो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए यूट्यूब पे, और उसका लिंक यहाँ पे दे दीजिए। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे तो मैंने उसको डिज़ाइन करा यहाँ पे, और ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। तो ये यहाँ पे केवल डेकोरेटिव फीचर है बिकॉज ये शायद मॉडरेटर ने यहाँ पे डाला था तो डिलीट का ऑप्शन नहीं दिया है तो डिलीट नहीं हो रहा, पर एनीवे हम इसको हिसाब से क्वेश्चंस अपने हिसाब से डिज़ाइन कर दिए। तो क्वेश्चंस को भी आप कैसे डिज़ाइन कर देंगे जैसे यहाँ पे है, तो फिर अगेन यहाँ पे हम गए एडिट पे गए, और एडिट पे आने के बाद हमने क्या करा क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए हम टाइप करेंगे और उसके बाद ऑप्शन, और जो ऑप्शन सही है उस पर हम क्लिक करेंगे और सेव कर लेंगे, बस इतना सा काम है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो यहाँ पे आता है कि जो आपकी डेट क्या है, तो यहाँ पे आप क्या है क्लिक करके इसकी डेट को चेंज कर सकते हो। तो देखिए जैसे मैंने इसकी डेट यहाँ पे ना चेंज कर दी है, ये 20 है, तो 6 क्या है 28/20 यानी 28 क्या है जून की मैंने लास्ट डेट फिक्स करी है। और टाइम यहाँ पे आप टाइम भी चेंज कर सकते हो, तो आपको जो अच्छा टाइम लगे, जैसे मैं 12 बजे कर दे रहा हूँ, तो ये 12 बजे का टाइम हो गया AM बस, और हमने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे क्या है एक और ऑप्शन आता है, देखिए जब इस पर आप क्या करेंगे क्लिक, देखिए यार ये बहुत अच्छा फीचर है। हाँ अब ये क्या है क्लास कन्वर्जेशन, तो आपको लगता है कि बच्चों को अलाउ करो करो, अदरवाइज़ इसको ना ही अलाउ करो तो अच्छा है, अदरवाइज़ बच्चे ना चैटिंग वैटिंग ज़्यादा करते हैं और करते कुछ नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं जैसे रैंडम क्वेश्चन, ठीक है, तो आप रैंडम कर सकते हो जिससे क्या है कि क्वेश्चन का सीरियल चेंज हो जाएगा, तो बच्चों के लिए तो आसान नहीं होगा कि एक दूसरे से पूछ लें, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना नेचर कर सकते हो कि क्या है ये क्विज़ है, ठीक है, या प्रेजेंटेशन है, या होमवर्क है, या ठीक है टेस्ट है क्या है। तो हमने यहाँ पर सपोज क्विज कर दिया, अटेम्प्ट कितने देते हो तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट डाल सकते हो, पॉइंट्स यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक है, परसेंटेज पॉइंट लेटर, तो जो भी आपको लगता है वो ग्रेडिंग सिस्टम डाल सकते हो, मैक्सिमम पॉइंट कितने होंगे वो डाल सकते हो, ठीक है। और ऑप्शन हैं, टाइम कितना फिक्स कर सकते हो, रूब्रिक्स यूज़ कर सकते हो, गोल्स स्टैंडर्ड, ठीक है, असाइंड ग्रुप्स, ठीक है, सेफ असाइनमेंट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं हम। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं आप अपने क्या है रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो, तो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। तो इसको हमने क्या करा, इसको हम सेव कर ले रहे हैं, सपोज़ ये देखिए सेव हो गया, और सेव होने के बाद ही अपने आप क्लोज हो जाएगा। फिर ग्रेड टेस्ट और ठीक है ग्रेडिंग टाइम, तो ये आप अपने हिसाब से सारे पॉइंट्स फिक्स कर सकते हो, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, बहुत ही इजी है। अब ये देखिए नेक्स्ट मैंने फिर ये नेक्स्ट क्या है डिज़ाइन करा, तो ये भी ठीक उसी तरह से है, वेलकम फोरम पे हम गए, इस पर क्लिक करा। अब ये देखिए तो यहाँ पे मैंने एक टॉपिक डाल रखा है लाइक व्हाट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देर आर स्मॉल डिस्क्रिप्शन, और ये देखिए ये वीडियो है, तो ये वीडियो क्या है मैंने खुद शूट करा था, तो ये मैंने अपना यूट्यूब से जो लिंक था इसका वो ऐड कर दिया, और यहाँ से क्या है ये डायरेक्ट ठीक है प्ले भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट रिव्यू भी देख सकते हो कि वो वीडियो कैसा दिखता है, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है कि अगर आप अपना डालेंगे, ठीक है। और एनीवे
यहाँ पे क्या है बच्चों, उसका रिस्पांस आ जाएगा ठीक है कि व्हाट इज़ देयर ओपिनियन ऑन देयर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो जैसा भी आप चाहते हैं उसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप टाइम वाइम चेंज कर सकते थे। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा फेज़। तो यहाँ पे मैं लेक्चर को क्या है लेक्चर वाइज क्या है डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ फेज़ हमने डाल रखा है फेज़ वन फेज़ टू, आप इसको चाहे लेक्चर वन वन टू थ्री डिपेंड कर सकते हो। फेज़ ज़्यादा टेक्निकल टर्म है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये देखिए यहाँ पे हमने क्या है क्लिक कर दिया ठीक है। अच्छा यहाँ से आपके क्या है थोड़ी डिटेल्स आ जाएंगे, तो यहाँ से अभी आप फिर चेंज कर सकते हैं ठीक है। फिर आप ये देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं ठीक है। अब जैसे क्या है यहाँ से हम क्या है और इसको हम एडिट कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको वर्ड लिमिट है उसके हिसाब से आपको रखना है। और यहाँ ऊपर आप क्या टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। फिर देखिए ये डिस्कशन फोरम आ गया, इस पर हमने क्लिक करा। अब डिस्कशन फोरम वो अपने सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक आर्टिकल रहा यहाँ पे OECD का लिया है, तो उस आर्टिकल को मैंने यहाँ पे क्या है लिंक दिया है। तो स्टूडेंट जब इसको क्लिक करेंगे फॉर एग्जांपल जैसे ये क्लिक करा और ये देखिए ये आर्टिकल ओपन हो गया। तो ये थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है 51 पेजेस का, तो बच्चे उसको पढ़ेंगे और उसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ यू नो दिस आर्टिकल दे आर सर्टेन क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं उसको बच्चों को क्या है सॉल्व करना है, तो उस अकॉर्डिंगली वो क्या है रिस्पॉन्स करेंगे। तो यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बच्चों को दे सकते हैं कि वो कैसे उनको क्या है करना है या कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो एक यहाँ पे है। फिर यहाँ पे क्या है फिर आ गया असाइनमेंट ठीक है। तो फिर आ गया आप सर्वे पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर लास्टली फिर यहाँ पे क्या है कुछ। तो यहाँ पे सपोज मैंने सर्वे कराया तो सर्वे ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक है। अब ये देखिए ये मैंने एक जैसे सर्वे बनाया है तो एक अच्छी सी इमेज इसके क्या है यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया रिफ्लेक्टिंग द ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे मैंने डिटेल्स दिए हैं और यहाँ पे देखिए एक मैंने क्या है सर्वे का ऑप्शन भी दिया है कि बच्चों को अगर सर्वे बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो दे कैन टेक नो हेल्प फ्रॉम दिस क्वेश्चनायर। तो यहाँ पे जब बच्चे क्लिक करेंगे तो एक क्वेश्चनायर यहाँ पे क्या ओपन हो जाएगा, तो वो उसको हेल्प ले सकते हैं। तो ये काफ़ी इंट्रैक्टिव है, ये सारी चीज़ें शायद हम नॉर्मल जो क्लासरूम्स होते हैं उसमें नहीं कर पाते हैं और द सेम स्टूडेंट को ये क्या है काफ़ी हेल्प करती हैं। और एक अच्छी चीज़ है ये कि इसमें बच्चे बहाने नहीं मार सकते हैं कि अभी नहीं किस सर नहीं करेंगे बाद में कर देंगे। तो यहाँ पे डेडलाइन फिक्स है, अगर तब तक आपको देना है देना है, नहीं देना है तो यू विल नॉट गेट मार्क्स। तो अच्छा चीज़ है और फैकल्टी के लिए भी कि उसका सिर दर्द कम हो जाएगा और स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है कि वो उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जस्ट जो भी उसके पढ़ने की टाइमिंग्स हैं उसके हिसाब से देख सकता है। तो इसी तरह से हम ये इस कोर्स को क्या है आगे डिज़ाइन करेंगे। तो आप जैसे आपने एक पार्ट देख लिया तो अकॉर्डिंगली ये क्या है इसी तरह से ये आगे चलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डिफ़िकल्टी है, आप बहुत आसानी से इसको क्या है बना सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई डाउट आता है तो ये जो वीडियो मैं जहाँ पर ले इसको अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप कमेंट करिए तो मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।